अबे यार चोप जल्दी चलो यार, हम लोग को फ्रैंकलिन भैया ढूंढते होंगे यार, बहुत मार मारेंगे यार आज। अबे यार सिंचन, हम पूरा ठग गए हैं यार, जल्दी चलो ना यार। अबे ये रेड स्कॉर्पियो किसका है चोप यार? ये हम लोग का गाड़ी तो नहीं है यार। कौन रेड स्कॉर्पियो यार, जरा हम भी तो देखें। ओ ये वाली, ये तो हम लोग वाले नहीं है यार। तो यार चोप, अगर फ्रैंकलिन भैया पूछेंगे ना यार कि हम लोग कहाँ गए थे, तो बोल देना कि हम लोग पढ़ने गए थे यार। अरे यार सिंचन भैया, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे यार, हम तो बोल देंगे खेलने गए थे। अरे यार पिंचन, तुमको किसी का आवाज सुनाई दिया? लगता है घर पे कोई है यार। अबे यार चोप देखो ना यार, ये लोग कौन है यार, हम लोग के घर पे आए हुए हैं यार, देखो तू। अबे सिंचन यार, ये फ्रैंकलिन का रिश्तेदार है यार, खाली आकर के खाना खाते रहते हैं हम लोग के घर पर। इन लोग को कोई काम धंधा भी नहीं मिलता यार। अरे यार चोप, इन लोग को भगाओ यार, सब खाना खा जाएंगे यार हम लोग वाला। अरे यार चोप, ये क्या हो रहा है यार हम लोग के घर में? देखो यार उधर। किधर बे सिंचन, किधर? अबे यार चोप आगे तो देखो यार, आगे देखो यार, कुछ जादू हो रहा लगता है यार हम लोग के घर पर। अबे हाँ बे, ये क्या है यार? अरे सिंचन भैया यार, जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को बता दो यार कि हम लोग के घर पे जादू हो रहा है यार। अबे यार इसमें तो बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं यार। अरे हाँ यार चोप, बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं यार, आखिर पैसे इतने गायब भी हो जा रहे हैं यार, कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब। चलो यार जल्दी से फ्रैंकलिन भैया को बता देते हैं यार कि हम लोग के घर में यार जादू हो रहा है यार, इधर भी फ्रैंकलिन भैया नहीं है यार। फ्रैंकलिन भैया, फ्रैंकलिन भैया यार, तुम किधर हो यार? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा गाइस यार, जल्दी से देख लेता हूँ यार ऊपर तरफ है क्या। वो देखो यार, कोने में तबला बजा रहे हैं यार। अबे यार सिंचन, तू क्यों चिल्ला रहा है यार? फ्रैंकलिन भैया यार, हम लोग के घर में जादू हो रहा है यार। अबे चोप यार, इसको समझाओ यार, ये पागल हो गया है समझा ना, इसको जादू दिखाई दे रहा है हम लोग के घर पे। कहाँ जादू है यार, बताओ जरा। अबे हाँ बे फ्रैंकलिन, सिंचन सही बोल रहा है, नीचे में कोई जादू चल रहा है लगता है। अबे चोप, मेरे को लगता है ना तू भी पागल हो गया, चलो देख लेते हैं भाई साहब क्या हो रहा। ओ भाई साहब, अबे सच में यार कुछ तो हो रहा है यार, पैसे उड़ रहे हैं यार सिंचन। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, यही तो हम बताना चाह रहे थे यार कि कुछ तो गड़बड़ है यार हम लोग के घर में। अबे आओ बे, तुम लोग भी मेरे पीछे पीछे आओ यार। गाइस यार देख सकते हो यार, कुछ तो मैजिक चल रहा है यार यहाँ पे हम लोग के घर पर। ओ भाई साहब, इतने सारे पैसे उड़ रहे हैं और पैसे भी यार गायब भी हो जा रहे हैं। ओ गाइस यार, ये क्या हो रहा है यार हम लोग के घर पर? अबे हमको तो लगता है यार ये काला जादू है भाई साहब। अबे नहीं बे चोप, हमको तो लगता है यार ये अच्छा वाला जादू है, इसमें पैसे उड़ रहे हैं यार। फ्रैंकलिन भैया यार, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, फिर देखो अभी गायब हो गया और फिर आ गया यार, ये क्या हो रहा है यार? रुक जाओ यार, मैं इसके अंदर ना घुस के देख ही लेता हूँ आखिर इसमें है क्या। ओ भाई साहब, हमको तो बहुत खुजली हो रहा यार, बहुत खुजली हो रहा यार। अबे यार सिंचन, तू वहाँ से भाग यार, नहीं तो तेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है यार। अबे सिंचन, मेरे को लगता है ना ये पक्का काला जादू है यार। अरे यार चोप, इसमें ना हमको बहुत खुजली हो रहा है यार। अबे यार सिंचन चल यहाँ से, चलते हैं यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, हमको नहाने दो यार पहले, मेरे शरीर पे ना यार खुजली हो गया है, ऐसा फील हो रहा है यार हमको। अबे फ्रैंकलिन, बाहर में रेड स्कॉर्पियो है हम लोग के घर पास, वो किसका है? अबे यार चोप, हमको क्या पता यार वो किसका है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, अब हमको खुजली नहीं हो रहा यार, कुछ भी नहीं हो रहा, हम अब पूरा अच्छा हो गए यार। अबे यार सिंचन चलो तो रेड स्कॉर्पियो इसको दिखा दो यार फ्रैंकलिन को, बाहर में यार किसका गाड़ी खड़ा है हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। अबे सिंचन और चोप, तुम लोग दोनों का दिमाग ना यार पूरा खराब हो गया है समझा ना, रेड स्कॉर्पियो हम लोग के घर पास क्यों रहेगा यार, हम लोग को तो यार व्हाइट वाली गाड़ी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, ये लोग सच बोल रहे हैं यार। अबे यार पिंचन, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है समझा ना। ओ भाई साहब, अरे यार ये तो सच में यार हम लोग के घर के पास में रेड स्कॉर्पियो है। ओ यार चलो देख लेते हैं यार चला करके। अबे यार सिंचन, हम लोग के घर में रेड स्कॉर्पियो कौन लाया यार? अबे ये क्या, ये तो डायमंड में बदल गई यार। अबे सिंचन, तू जैसे ही गाड़ी में बैठा ना यार, ये गाड़ी यार डायमंड में कन्वर्ट हो गई। हमको लगता है ना यार सिंचन, तू उस जादू में घुसा था ना यार, उससे तुम्हारे ऊपर यार सुपर एबिलिटी आ गया, हमको ऐसा फील हो रहा भाई साहब। अबे हाँ बे, हमको भी लग रहा है यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, चलो ना यार इस डायमंड कार को यार बेच करके यार हम लोग कुछ पैसे ले आते हैं यार। अबे यार सिंचन, तू ठीक बोल रहा है यार, सब कोई बैठ जाओ यार जल्दी से गाड़ी पर। गाइस यार, इस डायमंड कार को हम लोग बेचने वाले हैं यार और बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। अबे यार फ्रैंकलिन, तू कम से कम गाड़ी तो यार अच्छे से चलाओ यार, इधर ही हम लोग को तू टपका डालेगा क्या? भाई यार चुप, तू
तू अपना मुंह बंद रखना यार, ये डायमंड की कार है यार, हम लोग को कुछ भी नहीं हो सकता भाई साहब। अबे डायमंड के कार में तो यार तुम लोग ना बैठा है यार, हम तो यार छत पर खड़े हैं। अरे यार जो तुझे भी कुछ नहीं होगा यार, अब तो हम लोग अमीर होने वाले हैं यार, बहुत सारे पैसे मिलेंगे यार। अबे हाँ बे, लेकिन हम लोग अभी जा कहाँ रहे हैं ये तो कम से कम बताओ। अबे यार चौप, हम लोग अभी साइमन के पास जा रहे हैं यार, वही कुछ बता सकता है या फिर वो गाड़ी को खरीद लेगा सीधे। अबे तो साइमन का दुकान यही वाला है यार, यही वाला है। अबे हाँ बे चौप, पहुँच गए यार, वो देखो साइमन खड़ा है यार वहाँ पे। फ्रैंकलिन भैया यार, ज्यादा पैसे में बेचना है यार इस डायमंड कार को यार, कम पैसे में मत बेच देना यार। आओ फ्रैंकलिन आओ, कैसे आना हुआ यार बताओ जरा। यार साइमन देख सकते हो यार, हम लोग के पास में डायमंड वाली कार है यार, इसको हमको बेचना है भाई साहब 50 लाख रुपये में। यार फ्रैंकलिन, मेरे पास में तो इतने सारे पैसे नहीं है यार कि मैं तुझे 50 लाख रुपये दे सकूं। लेकिन तू अगर बिग माफिया के पास चला जाता है तो वो तेरी ये डायमंड कार को खरीद सकता है। थैंक यू यार साइमन, थैंक यू यार, हम लोग बिग माफिया के पास में ही जाते हैं भाई साहब, हम लोग को पैसों की बहुत जरूरत है यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, वो माफिया है यार, वो हम लोग की गाड़ी छीन सकता है यार। अबे यार फ्रैंकलिन, शिनचैन ठीक बोल रहा है यार, वो गुंडा आदमी है यार, हम लोग की गाड़ी यार छीन जाएगा तो यार हम लोग गरीब के गरीब ही रह जाएंगे भाई साहब। अबे यार तुम लोग इतना डरपोक हो यार, हमको आज पता चला यार कि तुम लोग को कितना डर लगता है यार। अबे वो माफिया है, कोई भूत थोड़ी है कि हम लोग को खा जाएगा यार। तुम लोग डरना बंद करो यार, इस तरह से मेरे को भी डर लगने लगता है। जिसको भी यार डर लगता है ना यार, वो चुपचाप खड़े रहना, समझा ना, कुछ बोलना नहीं यार, हम डील करेंगे और ये गाड़ी को बेच देंगे उधर ही, ठीक ना। और यार चुप, तू ना गाड़ी से नहीं उतरना यार, तू ना गाड़ी का रखवाली करना यार, मेरे को ना ये लोग के ऊपर भरोसा नहीं है भाई साहब। अबे हाँ बे, हम रखवाले करेंगे, जाओ तुम लोग डील करके आओ, ठीक है। अबे यार तुम लोग अपना मुंह तो बंद करो ना यार, देख रहे हो यार बिग माफिया खड़ा हो भाई साहब, कितनी सारी गाड़ियां है यार इसकी। कौन है तुम लोग और क्यों आए हो यहाँ पे? हाँ सर, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और ये रेड वाला शिनचैन है और पिंक वाला पिंचैन। तो हम क्या करें, क्यों आए हो यहाँ पे बताओ? सर हम लोग को ये एक डायमंड वाली कार बेचनी है। शिनचैन के पास में एक जादुई शक्ति है, अगर वो जिस कार में भी बैठ जाता है तो उस कार को वो डायमंड में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जादू है। अगर ये मेरी चारों कारों को अगर डायमंड कार बना देगा तो मैं इसे 4 करोड़ रुपया दूंगा। बोलो बना पाओगे? अरे हाँ अंकल यार, हम चारों कारों को यार डायमंड कार में कन्वर्ट कर सकते हैं यार, हमको डील पूरा पसंद है यार। ठीक है फिर बनाओ। आप अंकल जल्दी से पैसे लेकर के आओ यार, हम अभी के अभी चारों के चारों को डायमंड कार में बना देते हैं यार। ये देखो फर्स्ट वाली को मैंने डायमंड कार में कन्वर्ट कर दिया यार। अरे वाव यार, तुम्हारे अंदर तो बहुत खतरनाक वाली पावर लगती है। मेरे सभी गाड़ी को यार जल्दी से डायमंड वाली कार बना दो यार, अभी के अभी मैं पैसे ला करके देता हूँ। अरे यार अंकल, अभी के अभी यार डायमंड कार में सभी को कन्वर्ट कर देता हूँ यार, जल्दी से आप पैसे लेकर के आओ यार। अरे वाह, तुमने तो यार दूसरी वाली कार को भी डायमंड कार में बदल दिया यार। अरे यार गाइस, इसको भी जल्दी से यार डायमंड कार में कन्वर्ट कर देता हूँ यार, ये कार तो यार बहुत ही स्मार्ट कार है यार। ये लो आपकी तीसरी कार भी यार मैंने डायमंड कार में कन्वर्ट कर दिया यार, अब जल्दी से यार तुम्हारी लास्ट वाली कार को भी मैं कर ही देता हूँ यार। अबे यार शिनचैन, पहले पैसे तो मांग लो यार, हम लोग डायमंड कार तो बना दिए लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए हैं भाई साहब। अरे यार चुप, अभी के अभी पैसे लेता हूँ यार, इसको तो पहले डायमंड कार में कन्वर्ट करने तो दो यार, ये लास्ट वाली है यार। ये लो अंकल आपका ये वाली कार भी यार मैंने डायमंड कार में बदल दी है यार, अब तो हम लोग को पैसे दे दो यार जल्दी से। गाइस यार देख सकते हो यार, मैंने सभी कार्स को यार डायमंड कार में बदल दी है यार, अब तो पैसे लेने की बारी आ गई है यार, अंकल अब तो पैसे दे दो यार। अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक वाली शक्ति है यार इसके अंदर में, रुक जाओ यार अभी के अभी पैसे ला करके देता हूँ मैं तुम लोग को। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, कितने पैसे मिलेंगे यार हम लोग को? ये लो तुम्हारे 4 करोड़ रुपये। अरे वाह अंकल यार, तुमने तो यार 4 करोड़ रुपये दे दिए हो यार, मजा आ गया यार। वाह यार शिनचैन, आज तो यार हम लोग को मजा आ जाएगा यार, 4 करोड़ रुपये अब हम लोग के पास में है भाई साहब, अब तो पूरा शॉपिंग करेंगे यार। अरे भाई साहब मेरे लिए भी कुछ खरीद देना यार, पैसा तुम लोग का नहीं है यार, हम भी गाड़ी को रखवाली कर रहे थे यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार, जो भी अभी पैसा मांग रहा यार, उस समय से बोल रहा था कि हमको बहुत डर लग रहा है, इसकी तो पेंट गीली हो रही थी यार उस समय से। तो गाइस यार जल्दी से गाड़ी को हम लोग पार्क कर देते हैं यार, और पैसे जो है यार बाहर निकाल करके गिन लेते हैं भाई साहब, आखिर 4 करोड़ है भी या फिर नहीं।
तो गाइस यार देख सकते हो पूरा 4 करोड़ हम लोग को मिला हुआ है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इन पैसों को हम लोग क्या करें यार ये भी आप जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।